ब्रज में होली उत्सव में आने वाले विदेशियों को लेकर संत समाज ने कोरोना संक्रमित होने की आशंका जताते हुए श्री धाम वृंदावन में प्रेस वार्ता रखी और साधु संतों ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि होली उत्सव में तमाम विदेशी विदेश से मथुरा आए थे और अब वह होली से मथुरा में ही निवास कर रहे हैं और छुप कर बैठे हैं। हमें आशंका है कि ऐसे सभी विदेशियों का मेडिकल परीक्षण कराया जाए जिससे इस महामारी को मथुरा में पूर्ण रूप से फैलने से रोका जाए। इसके साथ ही जिला प्रशासन अच्छी तरह से शहर को सैनिटाइजर करे। शासन और प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन में पूर्ण रूप से सहयोग करना, शासन के द्वारा आदेश पारित होना, मथुरा में लॉकडाउन हो और प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएं जिसमें शासन और प्रशासन का हमारे धार्मिक जितने भी संस्थाएं हैं और जो एनजीओज हैं वो उसमें सहयोग करें, सबकी सुरक्षा हो, सब लोग बचें, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। चाहे किसी भी प्रयास से अगर दंड दे करके भी लोगों को घरों में रहने के लिए प्रेरित किया जा सकता है तो करना चाहिए। बाकी सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएं की हैं हमें इस समय देश का साथ देने के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो शासन कहता है उसमें उनका पूर्ण सहयोग करना चाहिए। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि संस्थाएं सहयोग करेंगी, किस तरीके से सहयोग होगा और क्या कदम आपकी तरफ से? सहयोग में ऐसा है जो जो उनको आवश्यकताएं हैं, जो उनके पास उपलब्ध है वो अपनी उपलब्ध कराएंगे, जो उनको और आवश्यकता पड़ेगी वो हमारी संस्थाएं सब मिल करके अपना सहयोग दे करके तन मन और धन से उनका पूर्ण सहयोग देंगी जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को आज प्रशिक्षण किया जाके ये पता लग सके कि वो संक्रमित हैं या नहीं। जो संक्रमित नहीं है उनको बाकायदा एक सर्टिफिकेट दे करके भाई ये अभी मुक्त हैं इससे, और उनको सुरक्षा के कुछ नियम बताए जाएं कि आप सुरक्षित अभी तक हैं, आपको इन इन नियमों का पालन करना है तो आप उसमें अधिक सुरक्षित रहेंगे। जैसे हाथ में ग्लव्स पहनकर अगर आपसे कदाचित कोई चीज़ टच हो जाती है तो आपके हाथ में ग्लव्स हैं तो आपके शरीर में वो रोग नहीं जा पाएगा। ये प्रेस वार्ता हमने बैठक इसलिए रखी है क्योंकि कोरोना वायरस नाम की जो महामारी है पूरे विश्व में व्याप्त हो गई है और इसको हम गंभीरता से लें, इस विषय पर हमने ये यहाँ पर मीटिंग रखी है, प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी है। और हमारी ये मांगे हैं कि यहाँ होली का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया, यहाँ विदेशी बहुत आए थे और वो विदेशी यहाँ पर आए थे और यहाँ आकर के रह रहे हैं, अब वो कोरोना से संक्रमित हैं या नहीं हैं और वो लोग गए भी नहीं हैं तो उनका परीक्षण होना चाहिए सर्वप्रथम, तो क्योंकि वो छिपके पर बैठे हुए हैं। तो प्रशासन से हमारी यही मांग है कि वो लोग को निकालें और उनका परीक्षण करें जिससे कि यहाँ कोरोना की जो बीमारी है वो व्याप्त ना हो। और दूसरी बात, यहाँ के प्रशासन से एक और निवेदन हम करना चाहेंगे कि यहाँ सैनिटाइजेशन अच्छे स्तर से कराएं, युद्ध स्तर से कराएं, क्योंकि ये छोटी छोटी मशीनों से सैनिटाइजेशन नहीं होता है और बड़ी बड़ी जो मशीनें आती हैं उनके द्वारा सैनिटाइजेशन हो और चिकित्सीय परीक्षण हो जिसमें हमारी सभी धार्मिक संस्थाएं सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और इस विषय के लिए हमने और मथुरा को लॉकडाउन किया जाए जिससे कि बाहर से, क्योंकि यहाँ हरियाणा और राजस्थान की सीमाएं लगी हुई हैं तो अभी भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो पूर्णतया कानून अपने सख्ती से पेश आ करके इसको लॉकडाउन को सफल कराएँ। और हमने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है, हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से भी फ़ोन पर संपर्क करके ये सब बातें बताई हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही इस पर कार्य होगा और हम तुरंत मथुरा प्रशासन को अवगत कराते हैं, यह बात हमसे बताई है। चिकित्सा सुविधाओं की बात हो रही है तो इसमें क्या आपकी तरफ से कदम रहेगा और किस तरीके से क्या जो जांच जो प्रशिक्षण शिविर है वो लगाने चाहिए और किस तरीके से लगाने चाहिए? नहीं, बिल्कुल कैंपेन लगाने चाहिए, मथुरा में 3-4 कैंपेन होने चाहिए और वृंदावन में भी 3-4 कैंपेन होने चाहिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे लोग बाहर के हैं जो इंडियन भी हैं जो बाहर से आए हैं और विदेशी लोग हैं जो यहाँ आकर के रह रहे हैं, तो यहाँ के जो CMO हैं, प्रशासन है, वो चिकित्सीय कैंपेन लगाए और हम लोग साथ में हैं, उनके परीक्षण हो। वहीं साधु संतों ने प्रशासन के लिए यह भी कहा कि कोरोना संक्रमण को पूर्ण रूप से रोकने के लिए यह लॉकडाउन भी करें जिससे इस महामारी से बचा जा सके। वहीं उन्होंने नगर निगम की नाकामी भी बताई और कई जगह गंदगी होने की बात कही। इस दौरान नगर निगम अधिकारी ने बताया कि जो भी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। देखिए, चारों तरफ गंदगी के ढेर तो नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके चारों तरफ ही देख लीजिए कहाँ गंदगी का ढेर है। तो हम काफ़ी व्यापक मात्रा में
समस्त जो हमारे सफाई कर्मचारी हमारी पूरी टीमें लगी हुई हैं, और ये कहना कि चारों तरफ सफाई के गंदगी के ढेर हैं उन्हें हतोत्साहित करना वाला होगा, संकट के दौर में हमें मोटिवेशन जो हमारे कर्मचारी हैं जो कि इस विपरीत परिस्थिति में भी काम कर रहे हैं उनका हौसला अफजाई करने वाली बातें करनी चाहिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन भी है। और जहाँ तक मैं अपनी बात बोल लूँ, और आरोप नहीं, आप पहले स्वयं जाके तस्दीक करिए, कोई व्यक्ति का आरोप लगाता है आप स्वयं जाइए देखने के लिए कि कहाँ पे वो पॉइंट कहते हैं, तो हमारे लिए भी फीडबैक होगा, हम उसको ठीक भी करा देंगे। जहाँ तक बात है कि व्यापक स्तर पे मॉपिंग कराने की, तो लगातार हम मीडिया के अपने बंदों को भी अपडेट कर रहे हैं, और पूरा आप देखा होगा कल भी पूरे दिन और आज भी पूरे दिन जितने हमने 23 प्लेसेस अपने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में लोगों का आवागमन होता था, तो वहाँ पे हर जगह मॉपिंग हमने कराई है, कल भी कराई है, आज भी कराई है, लगातार कराएंगे उसको। और अब जो एक प्रोसेस है वो जैसे आपको पता है कि एक लॉकडाउन की स्थिति हो गई है और सब लोगों से अपील की जा रही है अपने घर में रहें, तो उसमें हमारा जोर रहेगा कि ताकि लोग कमर्शियल एरियाज़ में ना आए, वहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ ना हो, अपने घर में रहें ताकि जो वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।